हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने न्यूज़ तो पढ़ी होगी, ये काफ़ी चर्चा में है। अगर इकोनॉमी से आप रिलेटेड न्यूज़ पढ़ते होंगे तो देखें क्या कि नायका की जो सीईओ है फाल्गुनी नायर, वो इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन बन चुकी है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जानेंगे कि एनएसई में दोस्तों उनकी जो कंपनी वो लिस्टेड हो चुकी है और उसी के साथ वो बन चुकी है इंडिया की सबसे रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन। अब सेल्फ मेड होता क्या दोस्तों, किसी और की मदद ना लेते हुए खुद के ऊपर, मतलब खुद का जो पैसा वगैरह है वो लगा के दोस्तों इन्होंने पे ब्रांड का विकसित किया है। जानेंगे दोस्तों डिटेल में यहाँ पे कि एक्चुअली क्या है। देखिए, कल की ही ये बात है, एनएसई में जैसे इनकी कंपनी लिस्टिंग हो गई दोस्तों, इनके शेयर के प्राइसेस दोस्तों काफ़ी बढ़ गए और इसी के साथ देखिए इनके जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी बढ़ गया। तो इसी के साथ वो बन गई है इंडिया की सबसे रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन। जानेंगे दोस्तों क्या है इंस्पायरिंग स्टोरी इसके पीछे कि एक स्टार्टअप दोस्तों शुरू हुआ था, वो स्टार्टअप अब जाके एक बड़ी कंपनी बन चुका है, जो कि एक बड़ी बड़ी जो कंपनी काफ़ी 30-40 सालों से मार्केट में, उनके बराबर इसका वैल्यूएशन दोस्तों हो चुका है। जानेंगे डिटेल में कि क्या है यहाँ पे। देखिएगा, नायका फाउंडर बिकम्स इंडियाज वेल्थीएस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर। और उनकी जो अगर हम वेल्थ की बात करें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी उनका IPO दोस्तों लॉन्च हुआ था कल, तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इसे प्राइसिंग मिली थी, काफ़ी लोगों ने इसे सराहा था और लोगों ने इसे खरीदा है। जानेंगे डिटेल में दोस्तों। मेरा नाम है नीलेश और आपका सभी का स्वागत है अनअकैडमी पे। दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हो अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है नीलेश सर अनअकैडमी, एज वेल एज आप मुझे फॉलो कर सकते हो अपने अनअकैडमी के ऐप पे और वेबसाइट पे भी, जहाँ पे हम लेते हैं स्पेशल क्लासेस और काफ़ी सारी चीज़ें एग्जाम्स रिलेटेड वहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्विजेस होती है, मॉक टेस्ट होती है और डिटेल में डिस्कशन भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी स्पेशल के साथ दोस्तों, कि क्या है फाल्गुनी नायर की स्टोरी और किस तरह से ये एक स्टार्टअप जो कि अब बन चुका है काफी बड़ी कंपनी। देखेंगे डिटेल में दोस्तों, आपको बता दूं कि क्या हुआ है एक्चुअली। देखिएगा, नायका फाउंडर फाल्गुनी नायर ना, देखिए उन्होंने क्या क्या वेनसडे को इंडिया की सबसे मतलब बड़ी बन गई, क्योंकि जब ही उनकी कंपनी का IPO वहां पे लॉन्च हुआ, IPO दोस्तों बूम, मतलब इतनी जोरों से वो IPO लॉन्च हुआ है और इतना ज्यादा उन्हें प्राइसिंग मिला है दोस्तों। दलाल स्ट्रीट के ऊपर अगर हम बात करें, उनका डेब्यूट यह था, काफी ब्लॉकबस्टर डेब्यूट था। और आपको बताऊं कि उनके जो प्राइस लिस्टेड जो है दोस्तों, 80% दोस्तों काफी उन्हें ज्यादा यहाँ पे प्राइसिंग मिली, लिस्टिंग काफी कम हुई थी, लेकिन जो प्राइसिंग की लिस्ट दोस्तों हुई ना, जब भी IPO स्टार्ट हुआ उस टाइम पे दोस्तों उनको जो लिस्टिंग मिली वो काफी ज्यादा, देख लीजिए ओपन ही जैसे हुआ था दोस्तों 2000 रुपए के टाइम पे वो ओपन हुआ था। और काफी इंपॉर्टेंट है, अभी अगर रेट की बात करें 2237 रुपए इसकी प्राइस है, मतलब इतनी बड़ी लिस्टिंग अगर मिली है तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो भी काफी बढ़ चुकी होगी। जानेंगे दोस्तों डिटेल में कि एक्चुअली मार्केट कैप इनका कितना हो चुका है। देखिए, 1 ट्रिलियन रुपीज दोस्तों जैसी लिस्टिंग हुई पहले कुछ मिनटों में इसका मार्केट कैप दोस्तों हो चुका है 1 ट्रिलियन करोड़ रुपीज के ऊपर। अगर दोस्तों बात करें इसमें तो ये आता है 13.5 बिलियन, ये कुछ मिनटों की बात है दोस्तों। लेकिन अगले दोस्तों हाफ एन आवर में दोस्तों क्या हुआ, इसका जो नायका का जो कैप है, मार्केट कैप अगर बात करते हैं, इसकी वैल्यूएशन कितनी है, तो वो जो जायंट्स वगैरह जो मार्केट में ऑलरेडी है, ब्रिटानिया है, अगर हम बात करें गोदरेज है, इंडिगो है, इन जैसी कंपनीज वगैरह है, भारत पेट्रोलियम है, हिंडाल्को है, इन सारी कंपनी से काफी आगे चला गया। यहां पे आप देख सकते हो $13.99 बिलियन दोस्तों इसका वैल्यूएशन तब तक हो चुका होगा, ये अगर हम पहले हाफ एन आवर की दोस्तों बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों इसकी स्टोरी, अब जानेंगे कि एक्चुअली फाल्गुनी नायर है क्या, क्या हुआ था। देखिए, नायर जो है ना, तो इन्होंने ये जो फाउंड किया था ये ब्रांड दोस्तों, इन्होंने स्टार्ट किया था अपनी जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है 2012 में, जब वो थी दोस्तों 50 साल की उम्र में उन्होंने अपनी नया बिजनेस शुरू किया था। देखिए, उसके पहले तो वो ऑब्वियसली एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, बैंकों में वो काम वगैरह करती थी, लेकिन 50 साल के बाद स्टार्ट करना और अब इस मंजिल पे पहुंचना काफ़ी ये इंस्पिरेशन स्टोरी है दोस्तों। और डेकेड के बाद आपको पता है कि इतना बड़ा वैल्यूएशन हासिल करना, ये बिगेस्ट लीगसी दोस्तों है इंडिया में, अगर हम बात करें यहाँ पे काफ़ी बड़ा इंस्पिरेशन मिला है। जानेंगे डिटेल में कि एक्चुअली ये है क्या दोस्तों। देखेंगे, जब भी इन द प्रोसेस शी हैज़ बिकम द वेल्दीएस्ट सेल्फ मेड वुमेन इज अमंग द कंट्रीज 20 रिचेस्ट पीपल, अगर यहाँ पे बात करें, वर्थ मोर देन हर पीयर्स, अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखें उनके जो उम्र के जो लोग वगैरह है उनसे भी वो काफ़ी दोस्तों यहाँ पे सफल हो चुकी है। अगर यहाँ पे देखिएगा, ये है लिस्ट, नायका फाउंडर अमंग द इंडियाज 20 रिचेस्ट पीपल दोस्तों। यहाँ पे उनके दोस्तों देख लिए 7.48 बिलियन उनके हम बात करेंगे वेल्थ है, और उनसे आगे सिर्फ एक ही महिला है दोस्तों, अगर हम बात करें सावित्री जिंदल है, ये अपने आप में दोस्तों काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है दोस्तों। जानेंगे डिटेल में कि एक्चुअली आपको पता है कि स्टार्टअप रेवोल्यूशन इंडिया में काफ़ी बड़ा था, और अगर देखें यहाँ पे कि फाउंडर का जो स्टेक होता है, जो भी फाउंडर होता है, जो भी स्टार्टअप शुरू करता है, उसका स्टेक कंपनी में कितना होता है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे बात करें जो बाकी जो स्टार्टअप्स वगैरह है, जैसे कार ट्रेड है, मोबीक्विक है, पॉलिसी बाजार है, फिर जोमेटो है, उनके पास दोस्तों 5% या फिर 4% इतना स्टेक वगैरह उनके पास कंपनी का होता है। लेकिन अगर फाल्गुनी नायर की बात करें, उनके पास 53.5% दोस्तों स्टेक है। इसका मतलब जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती जाएगी, वैसे वैसे उनका खुद का वैल्यूएशन भी काफी बढ़ता जाएगा, वो भी काफी वेल्दियस होती जाएंगी। जानेंगे दोस्तों डिटेल में कि एक्चुअली इतना वैल्यूएशन हुआ क्यों है, क्या एक्चुअली नायका ने ऐसे किया है, नायका एक्चुअली करता क्या है। देखिए, नायका की स्टोरी यह है,
कि अर्लीस्ट में हुआ क्या कि जब फाल्गुनी नायर और उनके हस्बैंड ने कंपनी फाउंड की, देखे प्राइवेट एक्टिविटी थी उनकी KKR एंड कंपनी लिमिटेड, तो उन्होंने ये कहा दोस्तों कि कंपनी रन करने के लिए हमने एक सोचा था कि दो साल तक हम कहीं से पैसा लेंगे नहीं, हमारा जो दोस्तों मनी है वही हम क्या करेंगे यहाँ पे पैसे अर्न पैसे यहाँ पे लगाएंगे, रेज मनी करेंगे, कहीं से फाउंडर के इन्वेस्टर के पास नहीं जाएंगे, खुद ही दोस्तों यहाँ पे करेंगे, थोड़ा बिजनेस को और ज़्यादा बेसिक काफ़ी अच्छा बनाएंगे एंड उसके बाद अगर मोमेंटम मिलेगा तो उसके बाद हम जाएंगे इन्वेस्टर के पास, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत बैंकर्स थे, वो जानते थे कि किस तरह से बैंकिंग में रन होता है, किस तरह से इन्वेस्टिंग वगैरह रन होता है, तो काफ़ी सोची समझे उन्होंने यहाँ पे कदम रखे थे। जानेंगे डिटेल में और भी दोस्तों बातें कि देख लीजिए ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी कभी आसान नहीं थी। उन्होंने दोस्तों ये कहा कि मार्च 2020 में दोस्तों ये कंपनी यूनिकॉर्न बन गई। यूनिकॉर्न मतलब क्या, जस्ट 5 राउंड्स में। देखिएगा यूनिकॉर्न बनने के लिए, यूनिकॉर्न मतलब ये होता है जब भी कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन से आगे बढ़ता है तो वो कंपनी बन जाती यूनिकॉर्न। और आपको बताओ जस्ट 5 राउंड्स में ही इन्होंने ये स्टेटस हासिल कर लिया था, जो कि काफ़ी कंपनियों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी राउंड्स उन्हें लग जाते हैं $1 बिलियन तक पहुंचने के लिए। ओनली 3 इन्वॉल्व इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बाकी ज़्यादा इन्वेस्टर उन्होंने पैसे लिए नहीं है आपको बताओ। और स्टिल अभी तक इंडियन स्टार्टअप सेक्टर की अगर बात करें कि काफ़ी रेयर है कि कोई स्टार्टअप जो है वो प्रॉफिटेबल है, तो नायका इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल राइट नाउ। दैट्स वाई हम ये कहेंगे ये एक रीज़न है कहीं ना कहीं नायका का जो स्टार्टअप IPO है, IPO को इतना बड़ा प्राइसिंग वगैरह मिला है। जानेंगे दोस्तों इनके रीज़न के ग्रोथ क्या है, मतलब किस तरह से ये ग्रोथ वगैरह हुई है। आपको पता है कि नायका जो कंपनी है वो ब्यूटी प्रोडक्ट सेल वगैरह करती है, पर्सनल केयर सेल करती है उनके मोबाइल के थ्रू और उनके वेबसाइट के थ्रू, सभी को पता है राइट ना। और उनका जो मीनिंग अगर हम देखें नायका का, जो फाल्गुनी नायर ने कहा था नायका का मीनिंग है संस्कृत वर्ड में, वो है नायका मतलब एक्ट्रेस। एंड ये क्विकली बिकेम काफी प्रॉपुलर हुआ क्योंकि जो हमारे जो टेक सेवी इंडेक्स वगैरह है प्रेडोमिनेंटली जो वुमन है उनके मोबाइल हाथ में दोस्तों एप्स वगैरह है, तो डेफिनेटली उन्होंने ऑफर वगैरह भी काफी ज्यादा थे, सिलेक्शन ऑफ ब्रांड भी दोस्तों वहां पे काफी था। एक नायका इस तरह का ब्रांड है दोस्तों, उसके अंडर बाकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, तो उन्होंने वो उतने ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए और जो टेक सेवी इंडियन वुमन्स है या फिर गर्ल्स है उन्होंने प्रोडक्ट वहां पे परचेस करना शुरू कर दिया। ऑफर भी काफी अच्छे वगैरह थी उनके लोकल शॉप से अगर आप जाते थे। आपको बताओ दोस्तों एक बेस्ट पार्ट इसमें क्या था, देखिए लेट मी एक्सेस सो मेनी ग्लोबल ब्रांड्स आर नेवर बीन सोल्ड इन इंडिया बिफोर, तो उन्होंने ऐसे ब्रांड को अपने यहाँ पे रखा जो इंडिया में अब तक सोल्ड नहीं किए गए थे, तो इतना अच्छा मतलब उन्होंने ये यहाँ पे स्ट्रेटेजी वगैरह अपनाया। उसके बाद आपको बता दो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि किसी ने हर एक ब्रांड को दोस्तों एक फेस चाहिए होता है, तो नायका की पॉपुलरिटी तब ग्रो हुई दोस्तों जब उन्होंने ब्रांड अपील वहाँ पे आ गई, जिस तरह से कैटरीना कैफ की अभी बात करेंगे वो उनके ब्रांड एम्बेसडर बनी, उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स बने, काफी सेलिब्रिटीज हेल्पिंग द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्रेक अ न्यू ग्राउंड इन द स्किन केयर, काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों पहचान लाना, काफी एक नाम देना और एक चेहरा। और बात करेंगे दोस्तों ये जो ब्रांड हैज आल्सो मैन्युफैक्चर इट्स ओन हाउस। देखिएगा अदर कंपनीज के दोस्तों ब्यूटी प्रोडक्ट्स वो सेल करते ही थे, लेकिन खुद के भी प्रोडक्ट्स उन्होंने यहाँ पे सेल करना शुरू कर दिया और 2015 से ये स्टार्ट कर दिया उन्होंने। दैट्स वाई अगर आपके बता दूं फिजिकल प्रेजेंस की बात है, ठीक है ऑनलाइन तो उन्होंने शो शुरू कर दिया था मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स पे, लेकिन अगर फिजिकल की बात करें 80 स्टोर दोस्तों उनके हैं अराउंड 40 सिटीज में। ये काफ़ी बड़ी हम कहेंगे पुश देता है उनके IPO को और उनके वैल्यूएशन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये रीजन सिर्फ आपको बताओ ये सिर्फ शहरों में नहीं, इनका जो ग्रोथ था ना दोस्तों Tier 2, Tier 3 cities में भी काफ़ी ज़्यादा था। और स्पेसिफिक अगर हम बात करें पोस्ट पैंडेमिक जो एरा, जैसे ही पैंडेमिक थोड़ा खत्म होता आया, जैसे 2 डोज वगैरह सबको मिल गए, उसके बाद दोस्तों इसकी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा हो गई। यहां पे दोस्तों कहा जाता है कि Tier 2 और Tier 3 cities में 64% दोस्तों रेवेन्यू उन्हें मिला है फर्स्ट ईयर 2021 की बात करें कंपेयर टू द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर उनका रेवेन्यू था 59%, लेकिन अब जो रेवेन्यू उनका बढ़ के हो गया 64%, ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों उनकी ग्रोथ है। और आपको बताऊं दोस्तों कि प्रॉफिट में रहना हर कंपनी कोई ना कोई चाहती है, लेकिन नायका एक ऐसी कंपनी दोस्तों प्रॉफिट में रही है और ये फ्यू अमंग प्रॉफिटेबल ई-टेलर्स है जो प्रॉफिटेबल है। अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों देखिए उनका जो रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट है ना वो 61.96 करोड़ है, अगर हम बात करें जो अभी जो 31 मार्च का जो फिस्कल ईयर एंड होता है उसमें। और जो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको बता दूं जो लास्ट ईयर का बात करें रेवेन्यू जो उनका ग्रो हो चुका है वो 38% ग्रो हो चुका है टू 2,453 करोड़। ये अपने आप में ही काफी दिलासा देने वाली और कॉन्फिडेंस वाली बात है दोस्तों, तो काफी इंपॉर्टेंट ये चीजें है, एक इंस्पिरेशन स्टोरी हम कहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने मार्केट को यहाँ पे पहचाना, जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी वगैरह बदली, यहाँ पे नायका यहाँ पे ये कहना चाहती है दोस्तों, उन्होंने ये कहा फाल्गुन नायर ने कि आई स्टार्टेड नायका एट द एज ऑफ 50 विथ नो एक्सपीरियंस, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस था नहीं, लेकिन आई होप नायका जर्नी कैन इंस्पायर ईच ऑफ यू टू बी नायका ऑफ योर लाइफ। जब भी उनका दोस्तों ओपनिंग बेल हुई ना, हम बात करें
NAC में, तब जाके इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दी है। देखिए मेरे पास कोई एक्सपीरियंस था नहीं, मैंने कुछ कंपनी शुरू की नहीं थी। जैसे मैंने कंपनी शुरू कर दी, मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस इसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह की है। उसके बाद ये जो मेरी जर्नी है 10-12 साल की, ये बाकी लोगों को भी ऐसे ही इंस्पायर करे। काफ़ी इंटरेस्टिंग दोस्तों स्टोरी है नायका की, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। जैसे आप भी अपने एग्जाम्स में दोस्तों इस तरह की जर्नी पा सकते हो, हार्डवर्क करते रहिएगा, डेफिनेटली फायदा होगा। और इसी के लिए दोस्तों अनअकैडमी आपके साथ है, प्लस कोर्सेज आपके लिए लाता है। ये सारा जो आपको मिलता है ना, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सब मिलेगा। कहाँ पे? यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आपका GKGS थोड़ा सा कमजोर है और आपको चाहिए थोड़ी सी हेल्प, तो रथि महारथी ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है। आ जाइए इस बैच में दोस्तों, 3rd November से स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन सर मेरा GKGS तो ठीक है, मुझे बाकी बैचेस भी चाहिए, मतलब मुझे इंग्लिश चाहिए, मैथ चाहिए, रीजनिंग भी चाहिए, तो टेंशन नहीं है। 10th November से ये भी बैच लॉन्च हो चुके हैं, सफलता बैच, जिसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। दोस्तों एनरोल करने के बाद आपको एक बेहतरीन फीचर मिलता है, आप जब क्लास अटेंड करोगे तो आप अपने डाउट्स वगैरह एजुकेटर से डायरेक्टली पूछ सकते हो और बातें कर सकते हो, और वही के वही आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना बेहतरीन फीचर। इसके लिए क्या करना है, सिर्फ आपको एनरोल करना है। एनरोल करने के लिए आपको कोड लगेगा, क्योंकि प्राइसेस वगैरह ड्रॉप हो जाएगी। उसके बाद देख लीजिए 293 पर मंथ आपको गिरेगा। अगर आप चाहते हो दोस्तों 12 मंथ का, तो 5850 आपको प्राइस लगेगी, प्लस आप उसमें अगर अपने स्पेशल क्लास के क्रेडिट यूज़ करते हो ना, तो प्राइसेस और भी ड्रॉप हो जाएगी। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, यूज़ कीजिए, और डेफिनेटली आप सभी का स्वागत रहेगा यहाँ पे। और आपको एक बार बता दूँ, अगर आपको लगता है आपके पास नॉलेज है दोस्तों, तो डेफिनेटली SSC कॉम्बैट में शामिल हो जाइए। 50 मिनट्स में 40 क्वेश्चन किए, आपको सारा डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, है कि नहीं। तो चलते हैं आगे, आपको बता दूं अनअकैडमी इसी तरह से आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आता रहता है। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ कंटेंट में प्रॉब्लम है, कुछ वीडियो में इनअप्रोप्रिएट कंटेंट शो किया गया है, तो ऐसे बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू टू क्लेम द प्राइजेस। ओके ग्रेट। तो दोस्तों कैसा रहा आज का सेशन, डेफिनेटली जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में, एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर करते रहिएगा, और लाइक करना काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कैसा रहा आज का सेशन। इस तरह के करंट इश्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए दोस्तों, बाय।